हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइस की जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स। तो ये जो आपकी सीरीज़ होने वाली है ये टू दी पॉइंट होगी। इट मींस कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉलिटी की एक लेसन आ चुकी है, बट वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हो अभी प्रीलिम्स के लिए। और ये हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, इंक्लूडिंग जो यहाँ पे फर्स्ट टू टॉपिक है जिसे मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस की हूँ। तो इसे लास्ट में करती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसे देख चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के साथ। और यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक के साथ जो कि है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कौन सी रिवर डिस्प्यूट हमारे देश में है। तो उसके बाद हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे मेनली बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा नोटिफाई किया गया है एक जुरिस्डिक्शन जो कि गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की, जो कि आंध्र प्रदेश री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत आता है। आपको पता है कि पहले आंध्र प्रदेश था, इसके बाद 2014 में इस कानून के द्वारा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक न्यू राज्य बन गया। तो इनके बीच में जो है वाटर डिस्प्यूट होते रहता है जैसे कि आप लोगों को पता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी फेमस है, और ये डायरेक्टली आपसे मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है। श्रीशैलम राइट बैंक कैनल है और पावर स्टेशन है। उसके बाद आपको तेलुगु गंगा में यहाँ पे पोदी रेदी पादू हेड यहाँ पे रेगुलेटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखो कि हेनरी नेवा सुजाला, इसे सुजाला श्रावंती कहते हैं, और ये एक आपका जो है मच्छूमारी लिफ्ट इरिगेशन है। पूला सुभाई वेलीगोंडा है, नागार्जुन सागर रिफ्ट यहाँ पे राइट कैनल हेड रेगुलेटर है। फिर उसके बाद पुली चिंतला है, प्रकाशम बैरेज है, कृष्णा डेल्टा वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कैनल है, भिरवानी टीपा है, और यहाँ पे आपका गाजुला दिन है। तो इतने प्रोजेक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे तेलंगाना प्रोजेक्ट की बात करें तो ये है जुराला प्रोजेक्ट जो कि वन ऑफ द फेमस है। ये जुराला पावर स्टेशन बनाई जा रही है। बीमा है यहाँ पे, नेटरम पादू है, साथ ही कोयल सागर लिफ्ट इरिगेशन है, और उसके बाद श्री सेलम लिफ्ट बैंक यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये राइट बैंक है, ये लेफ्ट बैंक आपका यहाँ पे। और पलामुरु यहाँ पे आपका लिफ्ट इरिगेशन है, डिंडी लिफ्ट है, नागार्जुन सागर लेफ्ट बैंक है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ये नागार्जुन सागर राइट बैंक है और लेफ्ट बैंक में आपका तेलंगाना है। हैदराबाद ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है, एंड देन सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन है, एंड देन मुसी प्लाइमर तुमिल्ला आरडीएस, ये सारे प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हल्का फुल्का ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में कितने सारे मेजर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है और किस किस राज्यों के बीच में है। सो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि रावी, बीस और सतलज, ये तीन रिवर है जिनके बीच में आपका जो है डिस्प्यूट देखने को मिलता है। और कौन कौन से राज्य है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा कि ये तीनों जो हैं इंडस के ही यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद नर्मदा है वन ऑफ द फेमस, जो कि यहाँ पे आपको नर्मदा रिवर देखने को मिल रहा है। ये नर्मदा रिवर है जो कि आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और यहाँ पे कौन कौन से चार राज्य है जो कि है एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। उसके बाद मंडोवी यानी कि महादाई जो कि गोवा की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये रिवर है। तो यहाँ पे तीन राज्य है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उसके बाद आपका कृष्णा है, तो कृष्णा की अगर हम लोग बात करें तो ये ईस्ट फ्लोइंग है। कृष्णा में यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं, तो ये है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो तीन राज्य आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पेरियार की बात करते हैं तो पेरियार आपका मेनली जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलता है। तो ये रिवर याद रखना है कि ये दोनों इस दोनों राज्य के बीच में ये रिवर डिस्प्यूट है कावेरी को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो यहाँ पर चार राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। फिर अगर हम लोग गोदावरी की बात करें तो ये भी गोदावरी हमारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ओके, तो गोदावरी ये इसके लिए याद रखिएगा, ये काफ़ी इसका बड़ा बेसिन भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे सारे राज्य यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ जहाँ पे ये वाटर जो है शेयर करते हैं। उसके बाद वमसाधरा है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। तो इतने सारे वाटर डिस्प्यूट आप देख सकते हो, यानी कि जो भी एक रिवर जो है अगर एक राज्य से होकर दूसरे राज्य में गई है तो ऑब्वियस है कि उनके बीच में जो है हमेशा खटपट होती है। हर एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर ये आरोप लगाते कि वो पानी ज़्यादा ले रहे हैं या फिर पानी रोक रहे हैं, इस तरीके का प्रावधान।
तो हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में इस तरीके के इंटर स्टेट वाटर को लेकर क्या यहाँ पे प्रावधान है। तो सबसे पहले सेवन्थ स्कीड्यूल है, टोटल 12 स्कीड्यूल में से सेवन्थ स्कीड्यूल है, आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि फोर्थ स्कीड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, और यहाँ पे सेवन्थ स्कीड्यूल में आप देखो तीन लिस्ट होते हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट में है, लेकिन वाटर से रिलेटेड स्टेट लिस्ट में क्या क्या पॉइंट है? वाटर सप्लाई करना, इरिगेशन, कैनल, ड्रेनेज, एम्बार्कमेंट, वाटर स्टोरेज और वाटर पावर, ये सारे पॉइंट से रिलेटेड जो है स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर है कि स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है कि वो कानून बना सकते हैं। वहीं अगर हम लोग एंट्री 56 देखें यूनियन लिस्ट का, जिसमें कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है, इट मीन्स कि यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर दिया गया है कि वो इंटर स्टेट जो रिवर है और रिवर वैली है उसको डेवलप कर सकते हैं, साथ ही रेगुलेट भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे आपका एक्सटेंड किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर। तो इसलिए वाटर से रिलेटेड जो आपका सारा जो पावर है, यानी कि मेजर देखने को मिलेगा वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें, तो वो स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो इंटर स्टेट रिवर को डेवलप करना है या फिर रेगुलेट करना है, तो ये चीज़ें कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो यूनियन लिस्ट में। तो इसको कन्फ्यूज़ मत होइएगा। उसके अलावा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए आप लोग देखो कि आर्टिकल 262 है हमारे संविधान में, जो कि कहते हैं कि अगर दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में अगर पानी को लेकर वाद विवाद होगा तो उसकी सुनवाई जो होगी, उसकी एडजुडिकेशन, जो फैसला दिया जाएगा, वो आर्टिकल 262 के तहत होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे रीज़न क्या है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का। तो सबसे पहले आप देखो कि लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि दो तीन राज्य अगर यहाँ पे मिलके वाटर अगर शेयर कर रहे हैं तो उनके साथ उन लोग का एक साथ मिलकर अप्रोच नहीं है। यहाँ पे डिपेंडेंसी देखने को मिलता है, मेजर जो आपका वाटर सोर्सेज है वो रेनफॉल है, और रेनफॉल के थ्रू ही आप लोग देखो कि पानी जो है वो पेरेनियल हो जाती है। नॉर्थ की जो रिवर होती है वो पेरेनियल इन नेचर है, इट मींस कि कभी वहाँ पे पानी सूखती नहीं है। लेकिन मेनली आपको साउथ की जो रिवर देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, तो इनका मेन बात होता है कि ये पेरेनियल इन नेचर नहीं है, इट मींस कि 12 महीने यहाँ पे आपको पानी नहीं देखने को मिलेगा। मानसून के टाइम में अगर बारिश अच्छी होती है तो यहाँ पर पानी की फ्लो रहती है, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी है हमारे यहाँ रेनफॉल का। साथ ही ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। शेयर्ड रिवर बेसिन है, यानी कि जो ट्रांसबाउंड्री ग्राउंड वाटर है उसमें बेसिन भी शेयर्ड हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है, साथ ही यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजिम है, MSP आपको देखने को मिलता है, जो कि सरकार यहाँ पे फसल को मार्केट तक या फिर फसल को बोने से पहले ही सरकार यहाँ पे मिनिमम प्राइस रेट फिक्स कर देती है। साथ ही फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ नेशन है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, यूनियन गवर्नमेंट की अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग है, तो उसी के बेसिस पे ये सारे रीजंस है। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे सेंट्रल स्टेट सेंट्रल लिस्ट में भी कुछ है और स्टेट लिस्ट में भी कुछ है, तो इसलिए ये दोनों के बीच में जो है इस तरीके का झड़प देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या इशू है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट से। तो हल्का फुल्का मैं बता दे रही हूँ कि इशू ये है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि कोई भी वाद विवाद है तो उसको सुलझाने में बहुत टाइम लग जाते हैं। साथ ही कॉम्प्लेक्स और ओपेक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर भी है इस तरीके का एडजुडिकेशन देने का, और साथ ही साथ लास्टली जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, वो ना तो पारदर्शी है, यानी कि किसी को पता नहीं होता है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर देखने को मिलता है। प्रॉब्लम है नॉन कॉम्प्लाइंस का, क्योंकि इंडिया का जो फेडरल नेचर है पॉलिटी का और कॉलोनियल लिगेसी का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कंप्लाइंस है स्टेट और सेंटर के बीच में, ये कभी कभी कम देखने को मिलता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, जब आप देखते हो कि कहीं पे भी किसी भी राज्य में इलेक्शन होती है तो एक पॉलिटिकल मुद्दा ये बन जाता है। हालांकि जब वोट बैंक के लिए जो है सरकार ऐसा काम करती है, पॉलिटिशियन ऐसा काम करते हैं, अदरवाइज़ वो लोग इस चीज़ पर जो है कहीं से भी काम नहीं करते हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी आप लोग कह सकते हो। इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है, इट मीन्स कि आप देखो कि कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मॉडल नहीं है जो कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करे और ट्राइब्यूनल अवार्ड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करे। साथ ही लैक ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल है, जो यहाँ पे देर हो रहा है जुरिस्डिक्शन देने में, यहाँ पे आपका रिजॉल्व करने में जो देरी हो रही है, उसको अगर देरी हो रही है तो उस चीज़ को लेकर जो है कोई भी लोग कहीं पे भी जाकर कंप्लेन नहीं फाइल कर सकते। सो दीज आर द इशू, बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हमारी सरकार क्या कर रही है जिससे कि जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है वो कम हो सके। तो सबसे पहले रिवर बोर्ड एक्ट है 1956 का, जिसमें कि रिवर बोर्ड बनाने की बात की गई है, वो बेटर तरीके से इंटर स्टेट जो रिवर है और रिवर वैली है उसको रेगुलेट और डेवलप करेंगे। साथ ही साथ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया कि वो ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप कर सकते हैं जिसमें कि इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन हो सके। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिल लाया गया है, और यहाँ पे रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल है, देखते हैं ये सब कानून कब बनता है। उसके अलावा नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक
सेंटर है हमारे यहाँ जो कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पे क्या होगा कि वाटर रिसोर्सेज डेटा बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपका अरेंज किया जाएगा। एक वेब बेस्ड यहाँ पे वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको कि सेटअप किया जाएगा। तो ये सारे काम यहाँ पे सरकार के द्वारा किए गए हैं। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि लीगल एवेन्यूज़ होनी चाहिए, इट मीन्स कि कानूनी तौर पे जो है एकदम से प्रोसीजर होनी चाहिए कि किस तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करनी है। रोबोस्ट एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लेकर चलना है क्योंकि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जल ही जीवन है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ काम करेंगे तभी ये बेहतर तरीके से हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे सोशल जस्टिस को भी इनकॉर्पोरेट करने की बात की जा रही है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में। पॉजिटिव पोलिटाइजेशंस होनी चाहिए क्योंकि इस सारे इश्यूज़ को लेकर आप देखते हो कि कई बार क्रिटिसिज्म किया जाता है और कई बार इसको वोट बैंक का जो है मुद्दा बनाया जाता है। बट कहा जा रहा है कि एक यहाँ पे जो है पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए, जो भी यहाँ पे काम किया जाए पॉलिटिशियन के द्वारा वो यहाँ पे पानी के शेयरिंग को लेकर या फिर जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट है राज्यों के बीच में उसके हित में होना चाहिए। फाइन, तो ये आर्टिकल हो गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो इस एक्ट से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स है, काफ़ी डेटा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको 97th अमेंडमेंट सुनने को आए आपके दिमाग में कुछ चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, पिक्चर एकदम क्लियर आपके सामने आना चाहिए कि 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपरेटिव जो सोसाइटीज़ है इसकी जो फाउंडेशन हुआ। यहाँ से हम लोग एक और पार्ट ऐड किए, पार्ट 9B। अब आपको ये बताना है कि पार्ट 9B है तो ऑब्वियस है कि 9A होगा, ठीक है, 9th होगा। तो पार्ट 9 और पार्ट 9A में क्या है, कौन कौन से टॉपिक है ये आपको बतानी है, ठीक है। कॉपरेटिव की बात करें तो अगेन ये 7th स्कीड्यूल में स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, और 97th अमेंडमेंट एक्ट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये चीज़ें कही जाती है कि स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी आप देखो कि ये पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट किया गया है और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाइड भी नहीं की गई है। तो ठीक है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आप ये समझो कि पार्ट 9B हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ऑपरेट करते हैं जहाँ पे ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखने को मिलेगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करूँ तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर की एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है, इट मीन्स की पूरी ये पावर किसके पास है, तो कानून बनाने का अधिकार रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये स्टेट गवर्नमेंट के तहत है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहाँ पे भी होते हैं इसको आप लोग को एकदम से याद कर लेना है, क्योंकि आप लोग को जब क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी में तो आपको लगेगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है हमेशा रॉन्ग होते हैं। तो इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेटमेंट में यूपीएससी आपको फंसाने का कोशिश ज़रूर करेगी, तो ध्यान रखिएगा। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं कोऑपरेटिव के बारे में। एक्चुअली ये वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है इंडिविजुअल की, इट मींस कि यहाँ पे कुछ लोग जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उसके साथ मिलकर वो काम करते हैं। तो वॉलेंट्री एसोसिएशन है, यानी कि जिस लोगों को यहाँ पे आनी है आ सकते हैं, नहीं आना है तो नहीं आ सकते, जिनको लगता है, ठीक है। एक कॉमन नीड्स है, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनकी एक कॉमन नीड्स होती है, सबकी एक ही चाहत होती है, तो वो एक साथ मिलकर जो है यहाँ पे काम करते हैं। इकोनॉमिक गोल्स उनका कॉमन होता है, इंटरेस्ट कॉमन होता है। तो इसमें आप देखो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि सोशल कोहेशन को इन्हेंस करते हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन करते हैं, इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ते हैं। साथ ही जो बार्गेनिंग पावर है, यानी कि गरीब लोगों को आप देखते हो कि जो हमारे देश के पुअर पीपल हैं वो कई बार बार्गेनिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर ओवरकम करने की बात की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से। अगर हम लोग फ्यू एग्जाम्पल देखें जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है हमारे इंडिया में, तो इंडियन कॉफ़ी हाउस है, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन है, जो कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल है। रिसेंट अगर हम लोग देखें कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया हमारे देश में जिससे कि कोऑपरेटिव कल्चर अगर और ज़्यादा बढ़े, तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में चला रहे हैं, और हमारे यहाँ कानून है जो कि यहाँ पे आप देखो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, जिसमें कि RBI जो है ना को पावर दिया गया कि वो जो बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बोर्ड है उसको सुपरसीड कर सकते हैं और यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट में उसको मर्ज भी कर सकते हैं, जो चलिए ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे आर्टिकल जो 19 है राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है, उसके सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किया गया और इसी के तहत दो यहाँ पे आपका एक आर्टिकल 43B जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत इसको इंक्लूड किया गया, और पार्ट 9B, इट मीन्स कि एक ऐसा अमेंडमेंट हुआ जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल 19 आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेगा, आर्टिकल 43B ये DPSP है और एक अलग से पार्ट ऐड किया गया। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है ना,
अगर आर्टिकल 91C की बात करें तो यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है कि कुछ एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के साथ। एब्सोल्यूट यहाँ पे फ्रीडम नहीं दी गई है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, सी फॉर कोऑपरेटिव होता है, सी फॉर यहाँ पे आपका सब क्लॉज सी है, तो इस तरीके से सी सी करके आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 43B। तो 43B में ऐसा कहा गया है कि स्टेट को ये पावर है कि वो यहाँ पे पावर है कि वॉलेंट्री फॉर्म कर सकते हैं, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होगा, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा और प्रोफेशनल मैनेज कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। पार्ट 9B है जिसमें कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसको रन करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि जो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर है एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, तो उनका यहाँ पे लेंथ ऑफ टेन्योर होना चाहिए और साथ ही साथ नेसेसरी एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए जब भी यहाँ पे मेंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ को ज़रूरत हो। तो ये सारे बातें जो है 97th अमेंडमेंट एक्ट से निकल कर आए। नेक्स्ट आते हैं, आप देखो यहाँ पे बिल लाया गया है, तो बिल से क्वेश्चन कभी नहीं बनते जब तक ये एक्ट ना बन जाए, तो इसे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बट यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हम लोग को यहाँ से ग्राफ करनी है इन्फॉर्मेशन वो समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि सेंसरशिप किसे कहते हैं। सेंसरशिप जो है ये एक ऑफिशियल प्रोहिबिशन है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे रोका जाता है, किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन है जो कि कोई एक एक्सप्रेशन में दिखाते हैं। तो एक्सप्रेशन यानी कि भाव में दिखता है। अब ये भाव आपको देखने को मिलेगा या तो फिल्म है, फिल्म में आपको देखने को मिलता है इमोशंस, बुक्स में आपको भाव देखने को मिलेगा, यहाँ पर टेलीविजन है, शोज़ हैं, तो इन सब में किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है जो कि हमारे नेशन के लिए सही नहीं है, जो कि हमारे देश के लोगों के लिए सही नहीं है, तो उनके ऊपर इस तरीके का ऑफिशियल जो है प्रोहिबिशन लगाया जाता है, जिसे हम लोग टेक्निकल वर्ड सेंसरशिप कहते हैं। कॉमन तरीके से आप लोगों को ये समझ में तो आता ही होगा, आपने कभी ना कभी ये सुना ही होगा कि जो हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उन्होंने किसी बोर्ड पे जो है किसी फिल्म पे जो है सेंसरशिप लगा दिया है। इट मीन्स कि उस मूवी में शायद ऐसी कोई डायलॉग होगी जिसे कट करने के लिए कहा जाता है, शायद ऐसा कोई सीन होगा जिसे कट करने के लिए कहा जाता है जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है या फिर हमारे देश के लोगों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कहते हैं सेंसरशिप लगा दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑफिशियल प्रोहिबिशन लगा दी, यानी कि उसको रोक लगा दी है उस तरीके के फिल्म में। तो फिल्म में आप लोग ने हमेशा सुना होगा, लेकिन फिल्म के अलावा ये आपको बुक्स, टेलीविजन शोज, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक काइंड ऑफ यहाँ जो है एक्सप्रेशन दिखती है, तो वहाँ पर ये जो है रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे आपका मर्ज भी किया गया है काफ़ी बॉडीज़ को, तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है और 9 रीजनल ऑफिस देखने को मिलेगा इसकी। एक एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट मीन्स कि कानून के द्वारा इसको बनाया गया है। और कौन सा कानून है, तो सेक्शन 3 आपका सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 का देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए, बट वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ये अमेंड हो जाएगा ना तब हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखिए कि श्याम बेनेगल कमेटी रिकमेंडेशन है, 2016 में ही ये श्याम बेनेगल कमेटी रिकमेंडेशन है, जिनके द्वारा ये कहा गया था कि जो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है उनकी जो काम करने का तरीका है वर्किंग बेस्ड होता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे होनी चाहिए, यानी कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उन्हीं के बेसिस पे ये जो कमेटी है वो काम करे। तो ये कहा गया था किनके द्वारा, श्याम बेनेगल कमेटी। तो ये भी आपसे कमेटी पूछ लिया जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना है ये। ठीक है, उसके अलावा आते हैं आगे फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी कुछ हम लोग यहाँ से समझेंगे भी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको काफ़ी फैक्ट्स यहाँ पे डेटास मिलेंगे। तो अगर हम लोग इस कानून के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सबसे पहला कानून हमारे आज़ादी से पहले आया था जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 था। अब ये कानून लाने का बस एक ही मकसद है कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, वो हमारे देश के जितने भी जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उसको काट रहे थे, और क्योंकि उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो ये पेड़ पौधे काट के अपने देश में वो फ़ायदा पहुंचा रहे थे और हमारे देश में वो नुकसान कर रहे थे। हमारे इन्वायरमेंट का नुकसान था, काफ़ी लोग यहाँ पे जो है फॉरेस्ट से कनेक्टेड थे, जैसे आज के भी डेट में आप देखते हो कि कनेक्टेड है, वहाँ पे रहते हैं, उनकी दिनचर्या उसी पे डिपेंडेंट होती है, तो सोशली इम्पैक्ट हो रहा था, साथ ही साथ इकोनॉमिकली इम्पैक्ट हो रहा था, तो तीन तरीके से हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा था। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में ये कानून लाया गया था, लेकिन बाद में ये अमेंड भी किया गया, यानी कि एज़ पर द नीड और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई 1988 में, जिसमें कि यहाँ पे आप देखो कि फॉरेस्ट और जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है ना उनको रिकॉग्निशन मिला है इस कानून के तहत।
तो इसलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देखो कि दो बॉडी आपको देखने को मिलेगा, एक को कहते हैं फॉरेस्ट ड्यूलिंग स्किल ट्राइब से और दूसरे होते हैं अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इस कानून के तहत उनको क्या क्या राइट्स वगैरह दी गई हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस कानून के तहत इनको क्या राइट मिला हुआ ये देख लीजिए। टाइटल राइट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्यूलर स्किल्ड ट्राइब्स है और अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स हैं उनके पास ओनरशिप का राइट है। इट मीन्स कि अगर उनके पास ज़मीन है तो वो उनके हकदार हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा वो 4 हेक्टेयर तक का ज़मीन के वो ओनरशिप हो सकते हैं। ओनरशिप जो है वो सिर्फ ज़मीन के लिए है ऐसा नहीं है, और वो भी ज़मीन जो उनके फैमिली जो है उस ज़मीन पे कल्टीवेट करते थे, एग्रीकल्चर खेती वगैरह करते थे, तो वैसे ज़मीन का जो है ओनरशिप का अधिकार है। कोई न्यू लैंड का ओनरशिप का अधिकार जो है यहाँ पे इन दोनों को नहीं मिलता है। ठीक है, यूज़ राइट अगर हम लोग देखें तो वो जो ज़मीन इनके पास है वो यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग, फिशिंग या फिर वाटर बॉडीज़ की जो एक्सेस है फॉरेस्ट में, वो सारे चीज़ का उनको यूज़ करने का हकदार है, हक है उनको। ठीक है, रिलीफ और डेवलपमेंट राइट की अगर हम लोग बात करें तो इन केस के अगर इलीगल इविक्शन होता है, समटाइम्स आप देखते हो कि ट्राइबल पीपल्स को किसी तरीके की डेवलपमेंट करने के लिए उनको उनके जगह से हटाकर दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो उनको ये अधिकार है कि उनको वहाँ पर रिलीफ मिले, और कोई भी डेवलपमेंट अगर राइट्स है तो वो भी हो सकता है, लेकिन उनके भी डेवलपमेंट राइट्स का यहाँ पर रखा गया है। साथ ही आप देखो कि ग्राम सभा है जो कि अथॉरिटी है इस तरीके के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि एक ऐसा कॉमन फॉरेस्ट लैंड है जो कि किसी ट्रेडिशन या फिर कस्टमरी बाउंड्रीज़ के अंदर है। कोई एक गांव है तो वो जो है ना उस तरीके के लैंडस्केप को जो है सीजनल यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि कोई पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने पशु को जो है लेकर जाते हैं, चारा वगैरह कराते हैं, ग्रेजिंग होता है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी होता है। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे जो फॉरेस्ट वो रिजर्व्ड होते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, जैसे कि आप नेशनल पार्क सेंचुरी कह सकते हो। तो जिसमें कि जो कम्युनिटीज़ होते हैं उनका एक ट्रेडिशनल एक्सेस होता है, यानी कि उनके पूर्वज भी उसी जगह रहे हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी वहीं बिता है, उनके आगे आने वाले जनरेशन भी वहीं ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो वैसे लोग जो कि फॉरेस्ट के अगल बगल रहते हैं और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उनको हम लोग कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व कहते हैं, सॉरी रिसोर्स कहते हैं। ओके, सेकेंड है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इट मीन्स कि आप देखो कि छोटे मोटे जो जंगलों से चीज़ें यहाँ पे निकल कर आती है जो कि सारे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा प्लांट ओरिजिन का, जिसमें कि आपका बैम्बो होता है, ब्रश वुड होते हैं, लकड़ियाँ होती है, स्टैम्प्स होते हैं, केन होते हैं, तुषार होता है, कोकेन हो गया, हनी हो गया, वैक्स हो गया, लैक टेंडू और केंडू लीव्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब्स, रूट्स, ट्यूबर्स, ये सारी चीज़ जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। और जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं उनकी लाइवलीहुड इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो बेचते हैं, उसी से उनको जो अर्निंग होती है वो अपनी लाइवलीहुड को जो है चलाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्किड्यूल ट्राइब्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो वैसे कम्युनिटी, इट मीन्स कि जो स्किड्यूल ट्राइब्स के कुछ वैसे कम्युनिटीज़, कुछ वैसे मेंबर्स जो कि बहुत पहले से ही उस जगह पे रहते हैं और उस जंगल पे ही डिपेंड है। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि उनके कई जो पूर्वज थे ना उसी जंगल में रहकर वो अपनी जीवन निर्वाह किए, और अभी भी जो स्किड्यूल ट्राइब्स है वो भी उसी जंगल में रहकर वो जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो जो उस जंगल में रहकर अपनी जीवन निर्वाह करते हैं उनको हम लोग फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्किड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। और अगर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कोई भी मेम्बर या कम्युनिटीज़ जो कि एटलीस्ट 3 जनरेशन्स तक रह चुके हैं, यानी कि 2005 से पहले, 13 दिसंबर 2005 से पहले 3 जनरेशन्स तक जो है ऐसे जगह पे रह चुके हैं जो कि वो फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट लैंड पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, तो उनको हम लोग कोई अदर ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके जो है क्राइटेरिया में रखते हैं। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, देखें नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जैसे नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ है ना उनको कंजर्व करने का काम करते हैं, और ये चीज़ें जो है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को यहाँ पे नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट विलेज, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है पेड़ों का यहाँ पे जंगलों का जो विलेज है, गाँव है, वो चीज़ें कही जाती है। तो सेटलमेंट है जो कि ये देखा जाता है ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, एक्चुअली इसको स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे देखते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होती है उनके द्वारा देखा जाता है कि फॉरेस्ट के अंदर कितने सेटलमेंट है, यानी कि कैसे ऐसे जंगल है जहाँ पे लोग जो है ना पूरे, जैसे एक गांव में देखते हो ना कि आप कितने लोग हैं, तो वैसे एक जंगल के अंदर कितने लोग हैं इस तरीके का वो देखते हैं, और उसको फिर बाद में जो है फॉरेस्ट विलेज जैसा ये डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स यानी कि ऐसे कम्युनिटीज़ जो कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी लाइवलीहुड,
और साथ ही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि छोटे मोटे जो चीज़ें यहाँ पे फॉरेस्ट से निकलती है वो अर्न करके वो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्किड्यूल ट्राइब्स यानी कि ऐसे कोई मेंबर कम्युनिटी स्किड्यूल ट्राइब्स के जो कि कई वर्षों से वहीं रह रहे हैं और अपने जीवन उसी के ऊपर व्यतीत करते हैं। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात करें तो 2005 से पहले 3 जनरेशन तक जो है वो फॉरेस्ट उसी एरिया में रहे हैं और उनकी जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट सिंपली यहाँ पे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कहा जा रहा है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए काम किया जाता है। एंड फॉरेस्ट विलेज जो कि यहाँ पे गांव जैसा हो जाता है यानी कि ऐसे जंगल का जंगल वाला एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं और एकदम गांव जैसा वहाँ पे हो जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट विलेज कहते हैं। तो आई थिंक कि आपको सारे पॉइंट्स में ये जितने भी यहाँ पे टर्म्स है सारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। कहा जा रहा है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में को इम्प्लीमेंट करने के लिए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल देखने को मिलता है, सिस्टमेटिक इश्यूज हैं, लैक ऑफ रिकॉग्निशंस है। इट मीन्स कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट है ना उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। फंक्शनल और इम्प्लीमेंटेशन बैरियर कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि इस कानून को जो है बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और कहीं यहाँ पे लैक ऑफ कैरी अवेयरनेस भी है। इसी के साथ आप देखो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अदर मेजर इनिशिएटिव जो कि ट्राइब्स और ट्राइबल एरिया की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है वन धन योजना। वन धन योजना यहाँ पे आपका एम है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है सेंट्रिक लाइवलीहुड इट मीन्स कि जो जंगलों से जितनी चीज़ें निकलती है हनी वैक्स आपका वुड हो गया बैम्बू हो गया इनको बेचकर जो लोग यहाँ पे ट्रैवल पीपल्स अपने जीवन निर्वाह करते हैं उनको यहाँ पे और बेटर करना है उनकी लाइफ बेटर करनी है तो इस चीज़ के लिए वन धन योजना इट मीन्स कि वन जो फॉरेस्ट है उस वो वेल्थ माना जा रहा है तो ये ट्रैवल्स पीपल के लिए है। उसके बाद है मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर मिनिमम यहाँ पे आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है तो यहाँ पे क्या है कि जो नंबर है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का उसको बढ़ाने की बात की गई है। इट मीन्स कि जो MSP सरकार के द्वारा दिया जाता है वो नंबर ऑफ जो यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें और ज़्यादा देंगे। पहले अगर 12 चीज़ों पर दे रहे थे तो अभी 18 चीज़ों पर देंगे तो इस तरीके का काम इसके तहत किया जाता है। उसके बाद पेसा एक्ट है जिसे हम लोग यहाँ पे प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द स्किड्यूल एरिया एक्ट कहते हैं। एक्चुअली इस पेशा में आप देखो कि इसके इस कानून के तहत क्या है कि जो ग्राम पंचायत और जो यहाँ पे ग्राम सभा है वो भी एप्रोप्रिएट लेवल पे तो उनके पास ये राइट होते हैं ना कि वो मैंडेटरी यहाँ पे कंसल्ट करें लैंड एक्विजिशन को लेके रिसेटलमेंट को लेके रिहैबिलेशन को लेकर। इट मीन्स कि जितने भी लोग जो ट्राइबल पीपल्स है अगर उनको अपने जगह से हटाकर कहीं और डिस्प्लेस किया गया है तो वहाँ पे उनको ज़मीन मिल सके उनका वो वापस से फिर से जैसे जीवन निर्वाह कर रहे थे पहले तो वहाँ पर भी वो वैसे ही करें उनको बेटर तरीके से रिहैबिलेट किया जाए। इट मीन्स कि और भी उनको स्किल प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो अपनी जो है अर्निंग कर सके और अपना लाइफ जो है अपना और अपने फैमिली का लाइफ वो बेटर तरीके से व्यतीत कर सके। तो ये काम कहाँ पे है पेसा एक्ट में। साथ ही आप देखो कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाई जा रही है तो यहाँ पे स्किड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे होते हैं ना वो क्वालिटी हेल्थ इन सारे चीज़ों से उनका जो एक्सेस है वो बहुत दूर दूर तक आपको कम देखने को मिलेगा। तो मेनली क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है स्किड्यूल ट्राइब्स के बच्चों को वो भी जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं वहीं पर। तो इससे क्या है ना कि एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जा रहा है एकलव्य। इट मीन्स कि जैसे आप हॉस्टल देखते हो ना कि बच्चे वहीं रहते हैं वहीं पढ़ते हैं वहीं पे स्कूल भी होता है और हॉस्टल में रहते भी हैं तो वैसे बच्चों के लिए इट मीन्स कि प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे सेक्टर्स में इनको मिल सके और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स लाए गए हैं ट्राइबल पीपल्स के लिए ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। ओके अब कहा जा रहा है कि क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो डिटेल स्ट्रैटेजी है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की जैसे कि पंचायत है ग्राम सभा है विलेज लेवल यहाँ पे फॉरेस्ट राइट कमिटीज़ है तो इनको यहाँ पे डिटेल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ट्रेनिंग वगैरह बेटर तरीके से देनी चाहिए। रेलिवेंट मैप्स और डॉक्यूमेंट्स जो है उसको प्रिपेयर करना चाहिए। इनक्रेज करना चाहिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को कि वो यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स है वो इस कानून को लेकर इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे लार्ज स्केल अवेयरनेस की ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है साथ ही अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड करने की ज़रूरत है। जो MGNREGA है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसके तहत 100 डेज़ की गारंटी यहाँ पे जॉब मिलती है अनस्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पे आपका जॉब मिलता है और जिसके तहत एक दिन की यहाँ पे वेजेस है 202 रुपीज़। तो ये चीज़ें कही गई है कि ट्राइबल पीपल्स के लिए भी लानी चाहिए साथ ही साथ जो डिफरेंट स्टेट के एक्सपीरियंस है उससे भी सीखना चाहिए। तो ये सारी कुछ वे फॉरवर्ड है इसको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे हमारी बेसिक जितनी टॉपिक्स थी वो कंप्लीट हो गई। अब जो फर्स्ट 2 टॉपिक है उसकी मैं रिविज़न करा देती हूँ। बात करते हैं यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस।
तो यहाँ पे एक कमेटी याद रखिए जो कि है जस्टिस रोहिणी कमीशन है। एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं कि सब कैटेगराइज कर रहे हैं, जो ओबीसी है उसमें आप देखते हो कि क्रीमी और नॉन क्रीमी का कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज़ को यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कौन कमेटी की रिकमेंडेशन दी जा रही है, जस्टिस रोहिणी कमेटी। अब ये हमारे संविधान में कहाँ है, अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए कहाँ प्रोविज़न रखा गया है, तो ये है आर्टिकल 340। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो एक कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब ओबीसी होते कौन है, तो ऐसे यहाँ पे आप देखो कि एक कलेक्टिव टर्म है जो कि सरकार के द्वारा यूज़ किया गया है किसी कास्ट को क्लासिफाई करने के लिए, और वो किस बेसिस में, तो यहाँ पे एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड है, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिकली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी में आपको बहुत सारे हेट्रोजिनस डिफरेंट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। टू लिस्ट होते हैं ओबीसी के, एक तो सेंट्रल लिस्ट होते हैं और स्टेट लिस्ट होते हैं, ठीक है। और बात करें आगे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत क्यों है, तो दो पॉइंट आप समझिए। सबसे पहले जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे उन लोगों तक नहीं पहुँच रही है जिन लोगों तक पहुँचना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि ओबीसी में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं जो कि एक वेल डेवलप्ड फैमिलीज़ आप कह सकते हो, जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है उसका लाभ उठाते हैं। तो सरकार के द्वारा यही कहा गया है कि ऐसे लोग अगर रिजर्वेशन छोड़ देंगे तो ऑब्वियस है जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको मिल पाएगा। साथ ही बेनिफिट भी यहाँ पे जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सबसेक्शन को मिल पा रहा है, वीकर सेक्शन को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण जो है सब कैटेगराइज करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो मंडल कमीशन की बात नहीं करें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ओबीसी को जो यहाँ पे 27% रिजर्वेशन जॉब में देखने को मिलता है वो मंडल कमीशन के द्वारा ही दिया जाता है। मंडल कमीशन के द्वारा कहा गया था कि रिजर्वेशन इन जॉब होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में और पब्लिक सेक्टर में। इसके लिए अमेंडमेंट किया गया, जो आर्टिकल 16 है उसमें सब क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया। सेम चीज़ें कही गई कि बच्चों को भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है यहाँ पे ओबीसी का कोटा होना चाहिए। तो इसके लिए भी अमेंडमेंट किया गया कि यहाँ पे आर्टिकल 15 के तहत सब क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो एजुकेशन के लिए आर्टिकल 15 है, जॉब के लिए आर्टिकल 16 है। और साथ ही साथ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया। इट मीन्स कि इंदिरा सानी केस में ये कहा गया था कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है इनके द्वारा कहा गया था। क्रीमी लेयर कहने का मतलब है कि वैसे फैमिली जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख है या फिर इससे ज़्यादा है, तो उनको क्रीमी लेयर में यहाँ पे लेकर आना है। और क्रीमी लेयर में कहने का मतलब है कि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। अगर इसमें आप कुछ बात देखोगे तो इवोल्यूशन कहाँ से हुआ सब कैटेगराइजेशन का, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि 1979 में मंडल कमीशन आई थी, लेकिन यहाँ पे इस कमीशन में एक मेंबर थे जिनका नाम है LR नायक। उनके द्वारा सब कैटेगराइजेशन यहाँ पे कहा गया इमीडिएट और डिप्रेस्ड क्लासेस को। और उसके अलावा आप देखो कि 2015 में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, इस ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इसमें 3 कैटेगरी होनी चाहिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो ग्रुप ए में वैसे लोग होने चाहिए जो कि सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। ग्रुप बी में वैसे लोग होना चाहिए जिसमें कि वो कुछ वोकेशनल जो ग्रुप है जो कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन करते आ रहे हैं, जैसे आप देखो कि उनके पूर्वज का जो व्यापार है वो भी आगे बढ़ते जा रहा है, तो वैसे लोग जो है बैकवर्ड है तो उनको ग्रुप बी में रखना चाहिए। ग्रुप सी में रखना चाहिए वैसे लोग को जो कि इन दोनों के कंपैरिजन में, ग्रुप ए ग्रुप बी के कंपैरिजन में ये फॉरवर्ड है। फाइन, आज की डेट में आप देखो कि NCBC ये बताते हैं कि 11 स्टेट और यूटीज़ हैं जिन जो कि यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस में सब कैटेगराइज कर चुके हैं। इट मीन्स कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को ये अलग कर चुके हैं। अब यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रही हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में ये स्टैटूटरी बॉडी था, क्योंकि एक कानून के द्वारा ये बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था, और वो कानून था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। बाद में चलकर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। संवैधानिक ये बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो बाकायदा इनको आर्टिकल दिया हो गया होगा, तो आर्टिकल यहाँ पे आपका 338A दिया, सॉरी 338B दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए आर्टिकल 338 जो है ये आपका स्कीड्यूल कास्ट के लिए है, इसी में आपका जो है 338A कर दिया गया जो कि स्कीड्यूल ट्राइब के लिए है, और इसी में आपका 338B कर दिया गया जो कि ओबीसी के लिए है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये नेशनल कमीशन फॉर यहाँ पे स्कीड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर स्कीड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इस तरीके से आपको सब याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसके तहत आपको दो आर्टिकल देखने को मिलेगा। एक तो आर्टिकल 338B हो गया, जिसमें कि यहाँ पे बात की जा रही है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो है यहाँ पे इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की क्या ड्यूटीज़ होगी,
इनकी ड्यूटीज़, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है आर्टिकल 338 बी में। इसी के साथ एक और आर्टिकल निकल कर आया जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल 342 ए। 342 ए में आप देखो टू क्लॉज है। 342 ए में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि अगर उनको लगता है कि किसी क्लास को यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उसमें नोटिफाई करना है तो ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है कि वो यहाँ पे सेंट्रल जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है उसको अल्टर कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सेंट्रल को यहाँ पे जो सेंट्रल लिस्ट है उसको यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं, वो भी आर्टिकल 342 ए। और इसी के अलावा आप देखो कि इसी के साथ आपका 342 ए सब क्लॉज 3 है जिसमें कि जो स्टेट की पावर है ना कि वो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओबीसी को, तो इस चीज़ों को रिस्टोर किया गया है। इट मींस कि यहाँ पे एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया है जिसके तहत प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, साथ ही साथ यहाँ पे पार्लियामेंट के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। तो ये ध्यान रखनी है आपको। रिलेटेड न्यूज़ अगर हम लोग देख लें तो अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप देखो कि कोटा इनको दिया गया है ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर मेडिकल कोर्सेज़ के लिए। तो यूनियन मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है कि 27% जो एज़ यूजल ओबीसी की रिजर्वेशन है वो यहाँ पे दी जाएगी ऑल इंडिया कोटा में, और जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको यहाँ पे दिया जाएगा वो भी स्टेट रन मेडिकल और डेंटल कॉलेज में। ये ध्यान रखना है कि स्टेट रन है, ये सेंट्रल रन नहीं है। अंडर ग्रेजुएट और पीजी के लिए यहाँ पे जो है आपका रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका ऑल इंडिया कोटा था ना इसमें 2007 तक कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, तो इसलिए सिर्फ स्कड्यूल कास्ट और स्कड्यूल ट्राइब के लिए था। अब यहाँ पे क्या है कि ओबीसी के लिए भी है और यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी है। सेकेंड आर्टिकल देख लेते हैं, यह है जुबिनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल। तो अभी नया बिल लाने की बात की जा रही है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, जो हमारा पुराना कानून है जुबिनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले आपके पास ये क्लियर होनी चाहिए कि जुबिनाइल जस्टिस के अकॉर्डिंग जो हम लोग बच्चे करते हैं वो यहाँ पे 18 ईयर्स से लेस एज के जो यहाँ पे लोग होते हैं उनको यहाँ पे बच्चा कहा गया है। वहीं अगर आप पॉक्सो एक्ट देखोगे तो उसमें क्या है कि 16 ईयर्स के नीचे के बच्चे को यहाँ पे बच्चा कहा गया है, ठीक है। और भी कल पीटी 365 कंप्लीट सोशल इश्यूज़ आपका अपलोड हो चुका है, पीटी 365 कंप्लीट आपका पॉलिटी अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप लोग ज़रूर देख लें। और आगे आने वाले दिनों में आपको पहले इकोनॉमिक्स मैं प्रोवाइड करूँगी क्योंकि 5 सितंबर को आपका ईपीएफओ है, और उसके बाद आपका साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट सब कंप्लीट करा दूंगी। तो ये एक बेस्ट वे होता है जो कि अभी लास्ट मोमेंट में सिर्फ आप रिवाइज़ कर रहे हो तो रिवाइज़ ही कीजिए क्योंकि यही आपको प्रीलिम्स में ही पार लगाएगी, ओके। तो ये ध्यान रखना है। और हाँ, पीटी 365 जो सोशल इश्यूज़ की कंप्लीट हो चुकी है उसमें और भी एक्ट में कहा गया है कि किसके कितने कितने एज के जो लोग होते हैं उनको बच्चा कहा गया है, ठीक है। इस एक्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न है। तो यहाँ पे जो एडॉप्शन है, एडॉप्शन जो चाइल्ड का किया जाता है वो सिविल कोर्ट के द्वारा किया जाता है और एडॉप्शन ऑर्डर दिया जाता है। अपील की अगर बात करें तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा जो यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया उसको फर्दर किसी और कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। सीरियस ऑफेंस देखें तो हीनियस ऑफेंस कहा गया है जिसकी इम्प्रिजमेंट जो है जेल टर्म यहाँ पे मिनिमम 7 ईयर्स होनी चाहिए। सीरियस ऑफेंस कहा गया है जहाँ पे 3 से 7 साल यहाँ पे जेल टर्म होनी चाहिए। पीटी ऑफेंस है यानी कि छोटा मोटा अपराध किए हैं तो उसमें 3 ईयर्स से कम का ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि कोई भी अगर अपराध के अगेंस्ट में जो पनिशमेंट दी जा रही है अगर 7 साल से ज़्यादा यहाँ पे जेल टर्म है तो उसमें यहाँ पे चिल्ड्रन कोर्ट जो कि सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट होता है वहाँ पे ट्राई किया जाएगा। और अगर ऐसे सज़ा है जिसमें कि 7 साल से कम का यहाँ पे पनिश दिया जा रहा है तो ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ये ट्राई किया जाएगा, ठीक है। अपराध आप देखो कि अगर 3 से 7 साल का है तो इसको कॉग्निजेबल कहा जाएगा। कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि वारंट की ज़रूरत नहीं है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते और इसमें बेल भी नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया इस कानून के तहत कि हर एक स्टेट में आप देखो एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए, वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ओके। तो ये चीज़ें बताई गई है तो इतना यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। न्यू बिल का क्या बेनिफिट होगा वो आने के बाद हम लोग देखेंगे। इशू क्या क्या था इससे रिलेटेड तो वो भी हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं। सो आई थिंक ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जुलाई मंथ की पॉलिटी से रिलेटेड आपकी करंट अफेयर्स हो गई। कल मिलते हैं हम लोग इकॉनमी से रिलेटेड क्योंकि इकॉनमी की टॉपिक ज़्यादा है, उसे मैं पहले कंप्लीट करूँगी और फिर आपका पीटी 365 भी इकॉनमी पहले आएगा। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। डेली यहाँ पे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही आपको वीडियोज़ अगर हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए आप लाइक कर सकते हो, और भी कोई अगर डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।